जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत बरखेड़ा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बशीर अहमद पूर्व लेखपाल से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन प्रत्याशी बशीर अहमद पूर्व लेखपाल ने बताया कि बरखेड़ा नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाकर कस्बे का चौमुखी विकास, जिसमें नालिया, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड एवं जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए नालों का निर्माण, बिजली व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के साथ ही सफाई व्यवस्था और कस्बे में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराकर संक्रामक रोगों के खतरे से नगर पंचायत क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन योजना के साथ ही सरकार की समस्त प्रकार की योजनाएं प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक भ्रष्टाचार मुक्त एवं बिचौलियों के दखल को समाप्त करके सीधे जनता तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत बरखेड़ा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बशीर अहमद पूर्व लेखपाल ने बताया। मेरा नाम बशीर अहमद पूर्व लेखपाल हूँ। बरखेड़ा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। बरखेड़ा नगर पंचायत से मेरा चुनाव निशान कुर्सी के साथ में टेबल है। मैं बरखेड़ा का ही रहने वाला हूँ। मैं अगर बरखेड़ा की जनता ने मुझे चुन के भेजा तो सबसे पहले वो काम कराऊंगा कि जो अब तक के जितने चेयरमैन बने हैं उन्होंने नहीं करा है, वो कार्य मैं कराऊंगा। और विकास कार्य के लिए तो भरपूर प्रयास करूंगा। जहां टूटे खरंजा हैं, नाली हैं और पब्लिक की सेवा में रह के वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, आय जात संबंधी है, वो मतलब SDM साहब से परमिशन लेके या SDM साहब से कह के एक लेखपाल की अपने यहाँ हफ्ते में एक दिन की ड्यूटी लगवाऊंगा, जिससे लोगों की समस्या का समाधान वहीं बैठ के हो जाए। गरीबों के लिए पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इनके लिए सब उचित कार्य अपने लेवल से मतलब करा के लोगों की खिदमत करूँगा। सबसे पहले तो मतलब लोगों की समस्या राशन कार्ड की है, वो राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर मतलब लोगों के राशन कार्ड बनवाऊँगा और हर कोटेदार के यहाँ उनको सही टाइम पर मतलब उनको गल्ला वितरण करवाऊँगा। अब रही समस्या सफाई की, जो अब तक लोगों ने नहीं कराया, पानी की दिक्कत हमारे यहाँ चौमास में बहुत बड़ी हो जाती, उसके लिए भरपूर प्रयास करके अधिकारियों से मिलके नाली और रोड क्रॉस करके पानी की व्यवस्था कराऊंगा परमिशन लेने के बाद में, जिससे आदमी की मतलब समस्या है, सब घर डूब जाते हैं चौमास के महीने में, पानी से आदमी को जीवन खराब हो जाता है। इसलिए भरपूर प्रयास करके अपने उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद मैं पानी के निकास की व्यवस्था कराऊंगा। सफाई व्यवस्था में ये रहेगी कि अब तक जो चेयरमैन उन्होंने करा कि वैसे नहीं, अपने अलग ढंग से सफाई कराऊंगे, जिससे लोगों मुझे ये एहसास हो कि हाँ आने वाले चेयरमैन ने मतलब सफाई व्यवस्था और कारों को प्राथमिकता दे के सारे काम कराऊंगा। नगर पंचायत में जो बजट आता वो तो व्यवस्था की जाएगी। मैं अपने माननीय विधायक से गुजारिश करके, अपने सांसद महोदय से गुजारिश करके मतलब पैसे नगर पंचायत में लाऊंगा और उससे पूरा विकास कराऊंगा। किसी आदमी किसी भेदभाव से कोई कार्य नहीं किए जाएंगे, वो बढ़िया करके अपने ढंग से ही मतलब काम कराएंगे। किसी पक्ष विपक्ष हमारे सामने कोई नहीं होगा, सब हमारे अपने होंगे। जिसने वोट देगा वो भी हमारा अपना, ना देगा वो भी हमारा अपना, सबके लिए एक ही रास्ते से मतलब निकालूंगा। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था ये है, फ्रीजर मतलब चौराहों पर लगवाऊंगा, जिससे आदमी को ठंडा पानी उपलब्ध होता रहे। और रहेगा काम की, आदर्श नगर पंचायत बनवाने में पूरा प्रयास करूंगा, पूरा अपने विधायक, अपने माननीय मंत्री महोदय, माननीय अपने सांसद महोदय से गुजारिश करके बरखेड़ा नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनवाऊंगा। बिजली की समस्या के संबंध में जहाँ के तार लटके हुए हैं उनको दुरुस्त कराऊंगा। हर बस्ती में मतलब व्यवस्था बिजली की अच्छी कराऊंगा। मेन रोड पर आज तक कहीं नहीं मतलब रोड पर लाइट लगी हुई है, सबसे पहले मतलब अपने हाईवे रोड पर बिजली की व्यवस्था कराऊंगा। और किसी भी मतलब मोहल्ला पड़ोस वालों को कोई बिजली संबंधी कोई समस्या नहीं होने दूंगा, ये अपनी एक प्राथमिकता रहेगी। हमारी वाइफ 3 बार लड़ चुकी है, 2 बार सेकेंड पोजिशन रही है। अब की मैं रिटायर होने के बाद मैं खुद लड़ रहा हूँ। अगर बरखेड़ा की जनता से वही प्यार जो आज तक प्यार देते चले आए, वैसे ही प्यार दूंगा। मैंने कभी हारने के बाद में भी किसी अपने वोटर को या अन्य वोटरों को कभी मतलब बदतमीजी या मतलब उनसे
भेदभाव कभी नहीं करा। मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ एक बार वो मुझे बनाए। आपने अब तक जब से हमारी नगर पंचायत बनी है एक नया आदर्श देने का काम करूँगा।